यूपी जीता जीता देवभूमि, जी हाँ यूपी जीता जीता देवभूमि, जीता मणिपुर और गोमांतक, अब राज तिलक का इंतजार मैं लेकर आया हूँ, इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूँ मनीष अवस्थी, हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। हर सूबे में जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया, अब इन राज्यों में सरकार के गठन की तैयारी है, सरकार बनाने की बारी है। कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम फाइनल भी है तो कुछ में अभी बाकी है। यूपी में योगीराज 2 के शपथ समारोह पर सारे देश की नजरें टिकी हैं, लेकिन अब तक शपथ की तारीख तय नहीं। कब होगा शपथ समारोह, कौन कौन योगी मंत्रिमंडल का होगा हिस्सा, कौन होगा योगी का डिप्टी, कई सवाल हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल, पैनल से चर्चा करें उससे पहले आप देखिए सियासत से जुड़ी इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर राज्य की कमान संभालने वाले हैं। मुख्यमंत्री तो योगी ही बनेंगे ये तय है, लेकिन अब तक शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं है, न मंत्री और न कैबिनेट के नाम अभी मुकर्रर हुए। योगी 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह शानदार होगा, भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यूपी में योगी के शपथ ग्रहण में बीजेपी संदेश देना चाहेगी और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री, संघ के नेता, हिंदू संगठन से जुड़ी शख्सियत, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शरीक होंगे। कयास योगी के शपथ ग्रहण को लेकर कई तरह के लगाए जा रहे हैं। एक थ्योरी के मुताबिक सीएम योगी होली के पहले शपथ लेंगे। योगी राज 2.0 का आगाज कब होगा, समर्थकों को उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है। ज्योतिषियों के माने 14 मार्च को रंगभरी एकादशी है और इस दिन योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण करने के लिए 2 उत्तम मुहूर्त हैं। शास्त्रों के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर काशी लाए थे। 14 मार्च को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक अभिजीत नाम का मुहूर्त है, जिसको शास्त्रों के मुताबिक बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इसी मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसी शाम को 3:49 से 6:03 तक सिंह लग्न है, जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए उत्तम है। ज्योतिषियों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने यदि 14 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली तो फिर करीब 1 महीने तक शुभ मुहूर्त का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 14 से 15 की तारीख में 2:10 पर सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा और 1 माह का खरमा शुरू हो जाएगा और जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। 14 मार्च को रंगभरी एकादशी भी बोलते हैं, तो कुछ नहीं से कुछ यानी कि आवश्यकता पड़ने में ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। और इस दिन भी अगर अभिजीत काल ले लें, जो 12:06 से 12:54 तक है, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। नहीं तो संध्या काल 3:50 के बाद से सिंह लग्न है, ये भी 14 को ही बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा राज्याभिषेक के लिए। 14-15 की रात जो होगी उससे मीन राशि में सूर्यदेव चले जाएंगे, इसलिए जिसको कह सकते हैं खर मास लग जाना, तो 1 महीने इंतजार करने से अच्छा है उसमें भी आवश्यकता में कुछ मुहूर्त आ सकते हैं। लेकिन बेस्ट मुहूर्त फिलहाल अभी का तुरंत को शपथ लेने के लिए जो मैंने बताया है, वो 14 मार्च का दिन अति उत्तम रहने वाला है। इन सब कयासों और अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली आएंगे, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि योगी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ज्वाइंट मीटिंग करेंगे और इसी बैठक में मंत्रियों और शपथ समारोह का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। लखनऊ से दिल्ली की उड़ान भरने से पहले सीएम योगी 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बंपर जीत के बाद हो रही इस मीटिंग को खास बनाने के लिए भोज कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीएम योगी ने चुनाव प्रबंधन टीम के साथ भोजन किया। यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है,
बीजेपी और उनके सहयोगी को 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में 273 सीटों पर प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी को बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ के फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अब तक मंत्रियों के नाम तय नहीं है। इन नामों पर मोहर लगने का काम आसान भी नहीं होता। साथियों का ख्याल रखा जाता है, जातिगत समीकरणों को साधना होता है, क्योंकि बीजेपी जानती है और खासकर मोदी शाह की जोड़ी किसी को नाराज करके आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, सबको इंतजार है कि आखिर किसकी खुलेगी लॉटरी। जीत के बाद ये होता है कि पहले तो संघर्ष शुरू होता है कि अगर आप पार्टी के नुमाइंदे हैं तो आखिर पार्टी की टिकट मिलेगी क्या। पार्टी की टिकट मिली, जनता ने आप पर मुहर लगाई, आप विधायक बन गए। अब इंतजार होता है, विधायक तो बन गए, क्या मंत्री बनेंगे क्या। विजय के बाद अब विजय तिलक। जी हाँ, विजय तिलक, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सीएम के लिए नाम तय। इस पर कोई दाएं बाएं नहीं। मंत्रियों के नाम, जी हाँ, पर मंथन जारी है। डिप्टी सीएम पर विचार, शपथ की तारीख पर सस्पेंस रहेगा। जी हाँ, तारीख कब है, जैसा कि अभी आप हमारी रिपोर्ट में देख रहे थे, ज्योतिषाचार्य कह रहे थे कि 14 मार्च तक नहीं तो एक महीने का इंतजार, खरमास लग जाएगा। उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी चुनाव में हारे, खटीमा से खटाई में आ गई इनकी जीत। सीएम रेस में कई चेहरे हैं, हो सकता है दिल्ली से नाम फाइनल हो और वहां पर ऐलान कर दिया जाए कि अभी तो शपथ सीएम की ये लेंगे। आगे बढ़ते हैं पंजाब। जी हाँ, पंजाब की बात करें, भगवंत मान सीएम के लिए नाम तय, राज्यपाल से जाकर इस्तीफा भी सौंपा। अब तारीख का भी ऐलान हो ही चुका है। जी हाँ, भगत सिंह के गांव में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा क्योंकि ये इनकलाब है। जी हाँ, इनकलाब है, आम आदमी का इनकलाब है। आगे बढ़ो, आम आदमी है। जी हाँ, गोवा, बात करें गोवा की, डॉक्टर प्रमोद सावंत लगभग नाम तय। डॉक्टर प्रमोद सावंत 20 सीटें बीजेपी को मिली। मंत्रियों पर विचार निश्चित चल रहा है क्योंकि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी सुधींद्र ढवलीकर, इनका बड़ा वर्चस्व है। मणिपुर, बीरेन सिंह नाम लगभग तय। केंद्रीय राज्य नेतृत्व का मंथन मंत्रियों के नाम पर विचार, शपथ की तारीख फिक्स नहीं, इसलिए इंडिया के सवाल है। एक राज्य में शपथ की तारीख तय, बाकी का क्या। आइए इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमानों के पास चलते हैं। मेहमानों में हमारे साथ हैं साजन सिंह, नेता बीएसपी से। साजन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, प्रवक्ता एसपी, आपका स्वागत है। अनुज अत्रे, नेता कांग्रेस। अनुज जी, आपसे क्या सवाल पूछूं, इंडिया का सवाल में आज मेरे लिए बड़ा सवाल है। जी हाँ, आपका स्वागत है। विक्रम बिदुड़ी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है। बिदुड़ी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ लखनऊ से शेखर आनंद त्रिवेदी। शेखर, मेरा सवाल आपसे, जीत के बाद बीजेपी आनंदित है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद परम आनंद की तारीख तय नहीं। शेखर देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, इसके बाद सबको इंतजार है कि वो आखिर कौन सी तारीख होगी, वो कौन सा मुहूर्त होगा, वो कौन सा समय होगा जब योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, और या यूं कहिए कि मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो शपथ लेगा। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सीट को दोबारा जीत करके आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने पद में, अपने कद में इजाफे की उम्मीद है। तो ऐसे तमाम लोग अपनी अपनी तरह से अपनी व्यूहरचना कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि फील्डिंग लगा रहे हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उम्मीद है कि वो इस बार कहीं ना कहीं बेहतर कुछ पद पाएंगे, उनका कद बढ़ेगा। तो इस तरीके की चर्चा उत्तर प्रदेश में लगातार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं दिल्ली, कल सुबह पहुंच जाएंगे 9 बजे यूपी सदन, और उसके बाद दिन भर बैठकों का सिलसिला चलेगा। ज्योतिषाचार्य ने जरूर अपनी बात रख दी है, जैसा आपने खबर में दिखाया कि 14 तारीख को एक विजय मुहूर्त है, लेकिन मनीष जी, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या आता है। आप सोचिए उस समय पर क्या स्थिति रही होगी जब त्रेता में भगवान राम का राज्याभिषेक होना है, रात में सारी चीजें तय हो गई और सुबह उठे तो उन्हें वनवास था। तो इस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में आज से नहीं, युगों युगों से चल रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी अभी डेवलप हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर,
यहाँ जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें सियासी सरगर्मी कुछ इस तरीके से बढ़ी है कि जब राज्याभिषेक हो जाए, जब शपथ ले ली जाए, जब सरकार चलने लगे और आप उस गाड़ी में सवार हो जाएं, तब आप ये मानिए कि हाँ बस चल रही है। वरना स्थिति ऐसी है कि सब अपनी तरह से कयास लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की जीत है वो सबको पता है कि ये जीत जिस तरह से मोदी, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में इनिशिएटिव लेकर के आगे आए और एक के बाद एक मैराथन उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की, रोड शो किए और उसके बाद यहां नतीजे आने के साथ ही वो गुजरात चले गए। एक बहुत बड़ा कैनवास, बहुत बड़ा मैसेज यहां से निकलता है जिसको देश भर के लोग अपनी तरह से आंक रहे हैं और खासतौर से सियासी लोग इस चीज को भांपने में कतई पीछे नहीं है कि इसके मायने क्या हैं। ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके साथ साथ कई और मंत्री भी होंगे। एक चीज और है, 7 तारीख को जब चुनाव खत्म हुआ और 10 तारीख को जब रिजल्ट आया, 8 और 9 का दरमियानी वक्त ऐसा था जब सुनील बंसल जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये दोनों लोग दिल्ली पहुंच गए थे। मैराथन बैठकें चली हैं इनकी जेपी नड्डा साहब के साथ में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ में। बहुत कुछ फाइनल हो चुका है। मेरा अनुभव 2017 का भी ये है, मैं उस समय खुद दिल्ली में था, मैंने देखा था कि यहाँ से जो डॉक्टर दिनेश शर्मा जो बाद में मुख्यमंत्री बने इसी सरकार में, उनको दिल्ली बुला लिया गया था। उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उस दौर के संगठन के समय पे, चुनाव के समय कार्य करते हुए, और वो लिस्ट वहाँ कलम से वो बना रहे थे। ये मेरी जानकारी अपनी है, पुख्ता जानकारी है। तो इस तरीके की स्थिति और शपथ वगैरह कौन लेगा क्या नहीं लेगा, उधर मनोज सिन्हा वाराणसी में दर दर जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ का कहीं नाम नहीं था, उनको अचानक बुलाया गया और उसके बाद उनका शपथ ग्रहण हुआ। सुबह 6 बजे मोहन भागवत जी से बात हुई थी अमित शाह जी की और अमित शाह जी ने ब्रीफ किया था प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम सब पत्रकार जानते हैं, घटनाक्रम हमने देखा है, इसलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि विजय तो हो चुकी है, मुख्यमंत्री और सरकार बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन बस बात वही है कि त्रेता युग का एक उदाहरण ऐसा है जिसमें राम भी वनवास हो गए थे। जी शेखर, एक छोटा सवाल मेरा आपसे ये है, सूरज को गुफा से निकाला था किसने? वो कोई और नहीं, पत्रकार था। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपके सूत्र क्या कहते हैं, तारीख क्या हो सकती है, उप मुख्यमंत्री के नाम में कौन आगे चल रहा है और बड़े मंत्रियों के नाम क्या हो सकते हैं? देखिए, जहां तक शपथ ग्रहण की तारीख की बात है तो योगी आदित्यनाथ खुद मिथकों को तोड़ने वाले मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं। वो नोएडा में जाकर के रुकते हैं, रात गुजारते हैं और एक नहीं, एक के बाद एक पिछले 5 साल में कई बार वो नोएडा जाते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो वो जो मिथक तोड़ने का काम था वो योगी आदित्यनाथ ने बखूबी किया है और इस चीज का चूंकि रिपीट हो रही है सरकार, इसलिए ये जो विश्वास और अंधविश्वास के बीच की कड़ी है उसको कोई महंत ही तोड़ सकता है और ठीक भी है। इस तरीके की चीजों से अब 21वीं सदी में हमें, हमारे समाज को उभरना चाहिए, वो यहाँ पर दिख रहा है योगी आदित्यनाथ से, ऐसी उम्मीद भी है। तो कोई संकट नहीं है इस बात का कि वो तारीख कौन सी होगी, जो तारीख होगी वही शुभ हो जाएगी, जो समय होगा वही शुभ हो जाएगा। रही बात उप मुख्यमंत्री की, तो हम आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए थे, पिछले दौर में मंत्री बने थे, उनके नाम चर्चा में है कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहुत सारे नाम चलाए जा रहे हैं जैसा मनीष जी मैंने आपको बताया। तो इसलिए अगर हम कयासों में चले जाए तो उसमें स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी नाम है, ब्रजेश मिश्रा का भी नाम है जो बसपा से आए थे बीजेपी में और जब उनके साथी छोड़ छोड़ के जाने लगे तो भी वो बीजेपी के साथ में बने रहे। ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर दिनेश शर्मा है उन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी है कि उन्हें संगठन में कोई बड़ा पद दिया जाए या संगठन में कोई पद दिया जाए, वो सरकार में नहीं आएंगे, चुनाव भी वो हालांकि नहीं लड़े हैं। केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार चुके हैं। इसके अलावा जो निषाद पार्टी है जिनके 6, 5, 11 लोग जीत करके आए हैं, मतलब 5 बीजेपी के सिंबल पे और 5 उनके अपने सिंबल पर, उसमें किस तरीके से उनके उनके कौन से नुमाइंदे सामने रहेंगे इसे लेकर निषाद साहब की तरफ से बात रखी जा रही है। संजय निषाद ये भी है कि वो खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल है जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से अपना दल की तरफ से कौन यहाँ पर होगा। एक और चेहरा है राजा भैया का जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स अपनी पार्टी बना करके लड़ाए, उनके संबंध भी ठीक ठाक हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तरह से इन चीजों को देख रहे हैं। हाँ शेखर, बहुत सारे नाम आपने भी इतने नाम गिना दिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ये कार्यक्रम जो नेता जिनके नाम आपने लिए उनके दिल में मोती चूर के लड्डू फूट रहे होंगे। जी हाँ शेखर,
इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की ओर। मेहमानों में हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर अनुजात्रे नेता कांग्रेस, हमारे साथ विक्रम बिदूड़ी हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर समाजवादी पार्टी के नेता। सबसे पहले विक्रम बिदूड़ी जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। विक्रम जी, पराक्रम के जरिए विक्रम कर कर तो बीजेपी ने दिखा दिया, अब ये बताइए कि तारीख का विक्रम कैसे तय होगा? किस नेतृत्व करेगा? और रही बात, जब मैं पूरा का पूरा जो टीवी देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार और विचार है, अब तक यहाँ पर कुछ बनने से ज्यादा राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करने की लालसा को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे यहाँ बनने की लालसा नहीं होती। जिस प्रकार से जो देश की राजनीति का चाल चलन और चरित्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदला है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा कि रिपोर्ट कार्ड आधारित जो बेस पर राजनीति शुरू की है कि आपका जो पूरा का पूरा कार्यकाल रहा वो किस बेस पर रहा, आपने लोगों के दिल को, लोगों के मन को, लोगों के दिल को जीतने का प्रयास किया क्या? चुनाव जीतना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता लोगों का दिल और लोगों का मन जीतना। आज जो 5 स्टेट के चुनाव हुए, इनमें सबसे बड़ा जो वास्तव में हमारे लिए गौरवशाली बात है कि एक पंजाब जो मात्र कांग्रेस के पास स्टेट था, कांग्रेस के बाद पंजाब, वो उसने बुरी तरह से खोया है। और भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 4 राज्य पहले से थे उनमें दोबारा से उन्हें जनता का मत, मन और दिल जीतना, वास्तव में ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और रही बात किसी के शपथ लेने की, बनने की, तो मैंने कहा ये पार्टी से इस नेतृत्व का मसला है, वो कहीं ना कहीं तारीख भी तय करेंगे, लोग भी तय करेंगे। और जो हमारे संस्कार है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना, ऐसा हमारी पार्टी का संस्कार है, ऐसा हमारी पार्टी हमें निर्देश देती है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है किसी पद प्रतिष्ठा का अंतिम लक्ष्य नहीं है। लोगों का मन, लोगों का हृदय जीत करके लोगों के लिए काम करना, सतत काम करना, निरंतर काम करना, ये हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संस्कार दिया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी खुद को प्रधान सेवक कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। विक्रम जी, विक्रम बिदूड़ी जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ साजन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, बसपा के आप नेता हैं। साजन जी आपका स्वागत है हमारे साथ। अनुज अत्रे, अनुज जी अब क्या सवाल करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आज चलिए ये खुला मंच इंडिया का सवाल आप ही को देता हूं, आप ही जवाब से शुरू करें। मेरे पास आज सवाल नहीं कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ क्या सवाल करूं। अनुज अत्रे जी, अनुज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं की आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाती, हमारी आवाज अब अनुज जी तक नहीं पहुंच पा रही। अनुज जी आऊंगा आपके पास। भुवन जोशी जी, 21 मार्च को आपके पदाधिकारियों की बैठक बुलाने की बात है, 21 मार्च तक मुझे ऐसा लगता है 10 दिन का टाइम, ये कौन सा आत्मचिंतन, आखिर क्यों हारे, इसको लेकर पहले आपके नेताजी ही चिंतन कर रहे हैं, उसके बाद 10 दिन बाद अपने कार्यकर्ताओं से, चुने हुए विधायकों से बातचीत करेंगे? हम एक प्रजातांत्रिक पार्टी है और प्रजातांत्रिक पार्टी चुनाव के बाद जो परिणाम आता है उस पर मंथन और चिंतन करने का काम करता है, क्योंकि हम लोग 300 का लक्ष्य लेकर जनता के बीच में गए थे, लेकिन वो किन कारणों से इतनी जो जनता की इतनी भीड़ थी माननीय अखिलेश यादव को देखने के लिए और सुनने के लिए, मिलने के लिए, वो क्यों बोल में तब्दील नहीं हो गई, उसका चिंतन और मंथन करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने न केवल हमारी सीटें बढ़ाने का काम करा न बल्कि हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा दिया। हमारी सीटें 2.5 गुना बढ़ा दी और वोट परसेंटेज हमारा 1.5 गुना बढ़ा दी और हमें एक मजबूत विपक्ष को बना के भेजा है। हम निरंतर जो हमारी लड़ाई है किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की, महिलाओं की, वो लगातार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पहले भी लड़े, आगे भी लड़ेंगे और लड़ते जाएंगे। और ये कविता के प्रेरणा मंच के साथ साथ आपके मंच के माध्यम एक नेशनल चैनल में बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, एक कविता का जो भावार्थ मैं आपको कविता दे रहा हूँ, उस कविता को हम जीने के काम करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जी, इसमें आप एक लाइन चूक गए, इसमें आप भास्कर साहब एक लाइन चूक गए, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो और मैदान छोड़कर मत जाओ तुम।
मैदान अगर आपने छोड़ दिया, मैदान अगर आपने छोड़ दिया, जो कि पिछले चार साल में देखा गया कि आपके कार्यकर्ता, आंदोलन नेता सब फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते थे, अगर जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाते तो भास्कर जी मुझे ऐसा लगता है कि तस्वीर कुछ और हो सकती थी। हालांकि मैं अब इस विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, आपके पास आऊंगा भुवन जोशी भास्कर जी, आपके पास आऊंगा, ढेरों सवाल है आपसे, क्योंकि आप ही की पार्टी का दावा था यूपी में अगर परचम लहराएगा तो समाजवादी। विजय रथ तो पहले से दौड़ रहा था, गली गली, सड़क सड़क, हाईवे। जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अनुज अत्रे जी हैं, साजन जी भी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मनीष जी, बिल्कुल। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली? देखिए मनीष जी, कांग्रेस पार्टी बहुत ही संस्कारों को मानने वाली पार्टी है, और जिसका अभी उदाहरण राहुल गांधी जी ने चुनावी नतीजों के बाद दिया। हम लोग बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ जनता को नमन करते हैं और जनता के हर मैंडेट को बहुत ही इज्जत के साथ, सम्मान के साथ स्वीकारते हैं। हमारे को जनता ने, ये वही देश की जनता है कि जिसने लगातार कांग्रेस पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, इस देश की सेवा करने का मौका दिया। कांग्रेस पार्टी ने भरपूर सेवा की, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब लोकतंत्र में थोड़ा सा कहीं ना कहीं राजनीति की परिभाषा और राजनीति करने का एक चाल चलन बदल चुका है। कांग्रेस पार्टी अभी उसमें अपने आप को अडॉप्ट करना नहीं चाहती है, और मुझे नहीं लगता कि हमें करना चाहिए, क्योंकि अब दौर जो आ गया है, ये जो दौर वर्तमान का चुनावी दौर है, इसमें दो चीजें बहुत तेजी से चल रही है कि काम मत करो सर, चुनाव जीतने के बाद काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रचार इतना जोर शोर से करो कि जो काम नहीं भी किया जनता के दिमाग में ये डाल दिया जाए कि आपको किससे रोका है अनुज जी? देखिए हमें, हमारी आइडियोलॉजी ने रोका है मनीष जी। आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। ये देश को धोखा देना, देश की जनता के साथ झूठ बोलना और मक्कारी करना, कांग्रेस पार्टी के ये असूलों में नहीं आता। चाहे ये लोग विपक्षी दल जितने मर्जी आरोप तोहमत लगाते रहे, लेकिन जनता स्वीकार करती है। आज जनता इनकी चकाचौंध में बह करके इनको वोट दे रही है, निश्चित तौर पर इनको चुनाव जितवा रही है। लेकिन जनता अगर अपना जब जमीन पर आकर के देखती है, तो जनता देखती है कि ये सरकार से हमें मिला क्या। इस सरकार से केवल और केवल जो है कहीं ना कहीं वोटों की ध्रुवीकरण, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर जो है वोटों का बंटवारा करना, कहीं जातियों के आधार पर बांट देना, और ये इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐसी सरकार है कि जिसको अपने वर्तमान के पाप भुलाने के लिए, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए इतिहास के। अनुज जी आपकी एक बात की तारीफ करनी होगी, अनुज जी आपकी एक बात को लेकर तारीफ करनी होगी कि आपने ये कहा, आपने ये ठीकरा जीत का उस ईवीएम मशीन पर नहीं फोड़ा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी तो नहीं, आपने ये कहा कि जनता ने चुनकर भेजा है। मैं आपके इस वाक्य, आपके इस बयान की तारीफ करता हूं। आऊंगा अनुज जी, हमारे साथ साजन सिंह जी हैं। साजन जी, आखिर बहन जी को क्या हुआ, इतनी उदासीन दिखाई दी चुनाव में, प्रचार रैली नहीं, प्रसार में एकदम ऐसा कि बीएसपी है ही नहीं यूपी चुनाव में, आखिर क्या हुआ? हाथी की जो चाल थी वो चाल से धूल नहीं उड़ी? नहीं मनीष जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से मीडिया के एक संभाग के द्वारा, और खास करके दो जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के द्वारा, यह प्रचारित किया गया कि यह बाइपोलर कंटेस्ट है, ये बाइपोलर कंटेस्ट है, और हमें ये दुख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि अंत तक, जब तक 7 मार्च का जब तक इलेक्शन नहीं हो चुका, हम इस परसेप्शन को डाइल्यूट नहीं कर पाए, ये बाइपोलर कंटेस्ट है। तो हुआ क्या कि समाजवादियों, भारतीय जनता पार्टी से असंतोष होते हुए भी समाजवादी पार्टी नहीं आए सत्ता में, इसलिए जनता ने वोट किया हमारा साथ छोड़ करके। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई और प्रचार तंत्र दोनों में ही हम हार गए, क्योंकि प्रचार तंत्र का जो है, आप मनीष जी आपको ये मानना पड़ेगा कि हम हॉकी में जब भारत जीतता था तो मैदान पे खेली जाती थी, जब एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी खेली जाने लगी तो उसमें हारने लगी भारत। तो ये एस्ट्रोटर्फ का प्रचार है, ये प्रचार तंत्र 24/7 का प्रचार तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हम मैच नहीं कर पाए, और इसके वजह से हमारी हार हुई। हाँ, हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां तक आपने बात कहा उदासीनता का, तो कल ही बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का प्रचार प्रसारित किया। और मैं आपको बता दूं, 2017 में जो भी सत्ता आई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस विश्वास के साथ कि उत्तर प्रदेश के लिए भला करेंगे, लेकिन ना विकास का काम हुआ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, लॉर्ड और साजन जी आप कुछ भी कह दें, साजन जी आप कुछ भी कह दें, जनता ने जीता कर तो भेजा ही। मनीष जी बात पूरी होनी चाहिए, 2022 में सत्ता विकास के नाम पर, ये तो मानना पड़ेगा मनीष जी, और ये मानना पड़ेगा कि 2022 में सत्ता
विकास के नाम पे नहीं मिले। आज भी जो बुनियादी समस्या है उत्तर प्रदेश की जनता की, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो या महंगाई हो, जस के तस है, यथावत है, ज्वलंत है, उन मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। और 5 साल तक साजन जी ये मान लीजिए कि बीजेपी को जीत हासिल हो गई, बीजेपी को बहुमत मिला है साजन जी, ये मान लीजिए जनता ने चुनकर भेजा है, ये उत्तर प्रदेश का जनादेश है और इस जनादेश को आपको स्वीकार करना चाहिए। और मैं जहां तक कहना चाहूंगा आपसे कि आपकी पार्टी की उदासीनता ये अपने आप में सियासत में एक रिसर्च का मुद्दा बन गई है, एक अनुसंधान का मुद्दा है कि आखिर बहन जी शांत क्यों थी। हमारे साथ मेहमानों के रूप में विक्रम बिदूड़ी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ अनुज अत्रे, नेता कांग्रेस, साजन सिंह जी, नेता बीएसपी, और प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता नेता हैं। आप सबका स्वागत है। विक्रम जी अभी भी विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं कि आपको जीत कैसी मिली। आप साजन जी को सुन रहे थे, इस जनादेश के बाद भी ये कहना है कि काम तो हुए नहीं, जिस विकास का आप ढोल और नगाड़ा पीट रहे हैं, तो आखिर आपको मत कहां से मिले, ये आप ही साफ करें, विपक्ष पूछ रहा है आपसे। मनीष जी, विपक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया, शायद इनके लिए भी ये सीखने की चीज होगी। इस चुनाव में मेरे को भी उत्तर प्रदेश के अंदर 1 महीने काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उत्तर प्रदेश में काम करते हुए जब लोगों के बीच में गया, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, चाहे वो किसान को किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर का मामला हो, जो लगातार कोरोना काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में और पूज्य योगी जी के द्वारा जो लगातार बाकी अन्य चीजों के माध्यम से, चाहे नमक का मामला हो, चाहे तेल का मामला हो, अन्य जो जरूरी वस्तुएं थी वो लगातार फ्री घरों में देने का जो मामला रहा, देश के 80 करोड़ लोगों को जो उनके पेट की चिंता की, और अन्य प्रकार की जो जब ये कोरोना काल के दौरान सभी पार्टियां अपने घरों में बैठी थी, इनके कार्यकर्ता घरों में बैठे थे, तब भी हमारे देश के, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने एक उद्बोधन कार्यकर्ताओं को दिया था कि सेवा ही संगठन है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि कोरोना काल में अपने घरों से निकले और बेहतर से बेहतर तरीके से लोगों के लिए सेवा करें, उनको राशन उपलब्ध कराए, बाकी जितनी भी जरूरत की उनकी आवश्यकता है। तो ये जो कोरोना काल का समय था वो लोगों को याद था, और कहीं ना कहीं मैंने इस चुनाव में पहली बार देखा यहाँ कोई दल या पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, सीधे जनता चुनाव लड़ रही, और जनता और विशेष रूप से महिलाएं, मैं बार बार कोट करना चाहता हूँ, विशेष रूप से जो माता बहनों का जो स्नेह था, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना जो सुरक्षा को जो महसूस किया, उन्होंने मेरे से कहा कि आप 5 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर घूम नहीं सकते थे, जो कई बार पार्टियों के अंदर वो नारे भी लगे कि जिस गाड़ी के अंदर समाजवादी पार्टी का जितना बड़ा झंडा समझो उसमें बैठा हुआ उतना बड़ा गुंडा, ये जो बनी जो बड़ी बड़ी बातें थी, ये कोई तथ्य है, वास्तव में लोगों ने इसको महसूस किया, झेला भी था। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो किस प्रकार से गुंडा राज, किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश पर हावी थी, खुल्लम खुल्ला लोग असुरक्षित थे, ना वो सुरक्षित थे, ना उनके पशु सुरक्षित थे, तो ये जो असुरक्षा की भावना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और इस सुरक्षा को, गरीब के कल्याण को, गरीब के मकान को, गरीब की रसोई को, जो चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने की, उसके परिणाम स्वरूप देखो, आप अगर जनता के बीच में निरंतर रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे, जनता आपको सराहकर बैठेगी। पहले से ज्यादा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बढ़ा अवस्थी थी, 2% से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है, किसी दल की वोट किसी में डाइवर्ट हो गई है, वो एक अलग मामला है, वो और उस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये सभी के लिए सीखने की चीज है। मैं अपने बाकी जो मित्र यहाँ बैठे हैं वो भी अपने पार्टी के नेताओं से कहे कि भारतीय जनता पार्टी से काम करने की, भारतीय जनता पार्टी से विचारों की, संस्कारों की रीति नीति ले, और एक बहुत अच्छी बात जो मेरे को लगी कि 70% से ज्यादा अपना जो ऐसी मतदाता है उसने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। ये भी जो मेरे भाई अभी बैठे बात कर रहे थे, ये इनको समझना चाहिए कि हमने उनका दिल और उनका मन जीतने का प्रयास किया और उसमें कामयाब हुए। तो मैं पुनः उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी 4 राज्यों की जनता जिस 70% की आप बात कर रहे हैं, विक्रम जी, जिस 70% की आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहन मायावती जी का दिल बीजेपी के लिए पिघल गया। आऊंगा आपके पास, प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर। भुवन जी, अभी भी वो राग गया नहीं, बीजेपी कहती है जिस गाड़ी में झंडा उसके अंदर, आप समझते हैं? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मैं कहना चाहता हूँ बहुत क्लियर, मैंने पिछले
लगातार आपके चैनल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अन्य चैनलों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने वहां पर एक बार निश्चित तौर पर देखी और मैं कह सकता हूँ 27 साल से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये फ्रेंडली मैच हो रहा था, उसकी सजा बहुजन समाज पार्टी को मिली है। आज उनके एक कैंडिडेट आया, उस कैंडिडेट के बारे में राजनीतिक विद्यार्थी होने के कारण मैंने उसका निकाला तो उसमें पाया गया कि वो सारा व्यक्तिगत वोट है, वो लगातार जनता की सेवा करते हैं। वहां पर वो बसपा से नहीं अपने दम पर जीत के आए, और बहुजन समाज पार्टी को जो सजा मिली है वो इसीलिए मिली है। अगर बहुजन समाज पार्टी, मुझे इसका जवाब देने का मौका दीजिए। जी जरूर, इसका जवाब देने का मौका जरूर। हाँ नहीं, अगर यही इनका चुनाव विश्लेषण है, इनका हार का कारण यही आप ये समझते हैं, हम चाहेंगे छाती साजन जी भुवन जोशी, भास्कर जी, पीसीआर साजन जी और भुवन जोशी जी को एक साथ फ्रेम में लाया जाए। मेरा कहना है मनीष जी, मेरा ये कहना है कि अगर इनकी बात सही होती तो आजमगढ़ में 10 से 10 सीट इन्होंने आजमगढ़ में 10 से 10 इनको सीट नहीं मिलती, इनको अंबेडकर नगर में 5 से 5 सीट नहीं मिलती, गाजीपुर में 7 से 7 सीट इनको नहीं मिलती। किसकी बात कर रहे हैं? हर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने 40 से 50 हजार का मत पाया। क्या आप ट्रांसफर करने की बात करते हैं? क्या पॉकेट में वोट ला करके कोई नेता घूमता क्या इस भारत के लोकतंत्र में? आप जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं कि वोटों का ट्रांसफर किया जाता है? किस तरह का नैरेटिव आप चला रहे हैं? आपको जिससे लड़ना था, जिस माइटी भारतीय जनता पार्टी से लड़ना था, उससे आप लड़ नहीं पाए, तो आप कर क्या रहे हैं? आप ठीक रहा फोड़ रहे हैं। जवाब ले लेते हैं साजन जी, साजन जी, भास्कर जी से जवाब ले लेते हैं। जोशी साहब जवाब देखिए, मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिक विद्यार्थी होने के कारण बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ आपको, ये जो आज जो बहुजन समाज पार्टी का जो पतन हुआ है वो इसी कारण हुआ है क्योंकि बहन जी का जो सॉफ्ट आर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के उनके बयानों में भी दिखाई दिया और वो जमीन पे भी दिखाई दिया। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ हमारे इतने सारे जीवन संकट है कि आज यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो दो पॉलिटिक्स हो गई है, एक और दूरी पे बहुजन कमियों को भारतीय समाज पार्टी का कमियों मत छिपाइए। आप एक नैरेटिव है उत्तर प्रदेश की जनमानस में यह साबित है कि सपा की जो सरकार है गुंडई की सरकार है, इस सरकार को आने नहीं देंगे। सपा की सरकार गुंडई की सरकार है, इसको हम आने नहीं देंगे, क्योंकि जो आपका समाजवाद है सफाई समाजवाद है, ये समाजवाद उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं महसूस है। साजन जी भुवन जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, भुवन जी को पूरा सुन लीजिए, अपने पास पर्याप्त समय है, आप सबको मौका दिया जाएगा। लोकतांत्रिक तरीके से इंडिया का सवाल चलता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम तो मांगे एक आम आदमी की खैर। अपनी बात पूरी करें भुवन जी। साजन जी को जितना मैं समझ रहा हूँ कि उम्र की दृष्टि से मुझसे काफी छोटे होंगे, मैं इनसे कहता हूँ अगर आपको राजनीतिक जीवन में रहना तो पहले श्रोता भी बनिए, वक्ता तो आप अच्छे हैं। एक और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, पूरा देश देख रहा है इस बात को, आज की जो पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश की, इसको मानना पड़ेगा। राजनीतिक विद्यार्थी होने के कारण हमने इसका अध्ययन करा है और आज दो पोल की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में रह गई है, या तो भारतीय जनता पार्टी एक धुरी है तो दूसरी समाजवादी पार्टी उसकी धुरी है, और कोई पोल वहां पर रह नहीं गया है। ये आप ये यथार्थ को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप राजनीतिक चिंतन नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैंने कविता शुरू में ही पढ़ ली है, मैंने बोला था आपसे कि उस कविता के प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारा जो हमारे को जनता ने सीटें भी बढ़ाई है और हमारा परसेंटेज भी बढ़ाया है, और अब हम जो आम गरीब आदमी की लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेंगे। जी साजन जी, यहाँ तो संघर्ष का मैदान छोड़कर नहीं जाने वाले, आप अपनी बताइए आखिर बहन जी शांत क्यों थी, बहन जी की चुप्पी की वजह क्या है? बहन जी की चुप्पी नहीं थी, बहन जी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में थी। बहन जी हर चुनाव हर सीट की बायोडाटा अपने से स्क्रूटनी करके उन्होंने कैंडिडेट का फाइनलाइज किया। 9 फरवरी से आगरा से जो चुनाव यात्रा की शुरुआत हुई थी वो अंत तक चलती रही, लेकिन बात यह है कि हमारा जो हम रोड शो नहीं करते, बहन जी रोड शो नहीं करती है, ना ही बहन जी किसी पत्रकार वार्ता में जाकर के पत्रकारों को पीटती है, ना ही बहन जी किसी से गाली गलौज करती है, लेकिन बहन जी बड़ी बड़ी रैली जरूर करती है, बहन जी बड़ी बड़ी रैली जरूर करती है, वो रैली दिखाई नहीं दी। लेकिन आप बात करते मनीष जी आपका लंबा यात्रा पत्रकारिता का रहा, आपने कवर किया है सारे उत्तर प्रदेश को, आपने कवर किया हमारी राजनीति को, हम विद्वेष का प्रचार नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, इस प्रचार तंत्र में इसीलिए हम पीछे रह गए, हमने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था कि जो प्रचार तंत्र का मामला आया है जिसका मुखर भारतीय जनता पार्टी सिरमौर है, उस प्रचार तंत्र में हम पीछे रह गए। अब रही बात
आप चुनाव का विश्लेषण अगर करिए तो इस चुनाव ने 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव ने राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए एक बड़ा चैलेंज दिया है। क्यों, अगर हम इनकी बात को माने जो आज समाजवादी पार्टी के हमारे भाई कह रहे थे, तो आप समझिए इनका जो गठबंधन था जाटलैंड में RLD के साथ, उसमें इनकी क्या हासिल हुई। 53 के फर्स्ट राउंड के सीट में इनको 40 सीट भारतीय जनता पार्टी ले गई। क्या बहुजन समाज पार्टी ने इसके लिए काम किया था? आप मध्य क्षेत्र में आ जाइए, अवध के रीजन में आ जाइए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाइए, सारे के सारे अंबेडकर नगर की सारी सीटें, आप गाजीपुर की सारी ट्रेन के साथ गए। क्या इन्होंने एनालिसिस किया है कि कितनी परसेंटेज बोझ उस पर्टिकुलर चुनाव के फेज में इनको मिला था? रही बात बुंदेलखंड की, आप बात कर लीजिए, हाँ इसमें हुआ क्या, जो हारे हमने विश्लेषण किया है इसका। बहन जी ने ये सारी बातें कही है क्लियर कर करे कि क्यों जो सपा की सरकार के साथ इतनी ज्यादा दिक्कत थी उत्तर प्रदेश की जनता को, जनमानस में आच्छादित था कि सपा की सरकार अगर आ गई तो गुंडे ही फिर से होगी, फिर से वो सारा का सारा राज वापस हो जाएगा, जितने बड़े आप गुंडे वो जितना बड़ा झंडा उतना बड़ा गुंडा। तो ये जो सरकार से बचने के लिए असंतोष हो, भुवन जी एक छोटा जवाब, भुवन जी एक छोटा जवाब, एक छोटा जवाब, एक रिबटल साजन सिंह जी के सवाल पर, एक रिबटल भुवन जी, तो मैं अनुज अत्रे और विक्रम बिदुड़ी की तरफ आगे बढ़ू। हमारे साथी बहुजन समाज पार्टी ने और आपने भी थोड़ा सा इशारा दिया था इसमें उनकी ओर से, मैं कहना चाहता हूँ अगर आप समाजवादी पार्टी को हमारे को गुंडों की पार्टी कह रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमें सीटें बढ़ा दी है, वोट परसेंटेज बढ़ा दिया है, हम लोग उसके जो सीटें हमारा जाती है अपना कम है, हम उस पर चिंता, बैगेज आपके पीठ पे, ये पीठ पे बैगेज है, मेरी बात बैगेज हो, बैगेज अगर यही होता तो सीटें नहीं बढ़ती सर, अगर अगर कुछ कमियां है हम कह रहे हैं जल्दी आंकड़े तक नहीं पहुंचे, उस पर हम चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा, और गरीबों की लड़ाई को और ज्यादा राजनीतिक दल है अपनी कमियों को ढूंढने की, अपने कमियों को ढूंढना चाहिए बिल्कुल, और गरीबों की लड़ाई को और तेजी से लड़ेंगे। जी सही कह रहे हैं आप भुवन जी, गरीबों की लड़ाई और तेजी से लड़नी चाहिए, लेकिन नतीजों के बाद गरीब अपने नेता से सवाल पूछता है, जो नेता गरीबों की हक की लड़ाई की बात करता है वो सत्ता में आते ही फॉर्चुनर में कैसे चलने लगता है, ये गरीब पूछता है। मैं आऊंगा आपके पास कुछ और सवालों के साथ। अनुज जी मेरा सवाल आपसे, कहां चूक रह गई, लड़की खूब लड़ी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, सबसे ज्यादा सीटें भी दी, लेकिन कुछ काम ना आया। देखिए ऐसा नहीं है अनिल जी, काम सब कुछ आया, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव का नैरेटिव बदला, देखिए मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा कि प्रदेश के चुनाव की अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी बीमारी भूख की थी, मसला रोटी का था और दर्द बेरोजगारी का था, लेकिन इलाज कहीं ना कहीं जाके भारतीय जनता पार्टी द्वारा धर्म में ढूंढा गया, क्योंकि किस्सा कुर्सी का था, ये धर्म का जो आड़ में लेकर के जो चुनाव लड़ा गया, जनता की आंखों पे जो पट्टी बांधी गई है, मुझे लगता है ये देश को हम बड़े ही खतरनाक स्थिति की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आज हमें देश में बुनियादी मुद्दों पर बात न करके जो है देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री अगर जो है धर्म के आधार पर बात करें, आज शमशान और कब्रिस्तान की बात की जाए, आज इस तरह की बातें की जाए तो शोभा नहीं देती हम देश की, हमें हमारे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सब वर्गों को साथ लेकर बोल रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है, इनके करने का ही खामियाजा, आज एक फिल्म बड़ी प्रोड्यूस और बड़ी पॉपुलर चल रही द कश्मीर फाइल्स, इन्हीं के कुकर्मों का परिणाम है, आज जो कश्मीर अपने देश के अंदर अपने देश के कलाकार अपने देश के अंदर घूम रहे हैं, आपके तो नेता कोई नेता नहीं, आज के डेट में सबसे बड़ा कलाकार है जो प्रयास कर रहा है आपके कारण ही, आपकी इन नीतियों के कारण ही मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण पिक्चरों में कारण जो इंद्रो हास्य बनाया आपने गिरेवाल में झांक के, अगर यही हाल बनाना आप लोगों का इससे बुरा हाल होगा, जितने बड़े जैसे आगे आप आने वाले समय के अंदर प्रदेश में छोड़िए कुछ और जिले की पार्टी बनने के लायक नहीं रहोगे, अगर आप लोग अगर अभी भी नहीं सुनते जनता आपके समाज आपको माफ नहीं करने वाली है, आपको बहुत जल्द बेनकाब होने वाली है, आप लोग बातों जो कमी है वो आपके सामने आ रही है, आपकी सीटें आ गई चुनाव जा कर के देखते कहीं ना कहीं बगला करके जीत आ गए तो आज जो पैमाना बन गया आपको पता है कि आपको अगर कहीं चुन के दे दिए आपको किस प्रकार बहुमत देके दे दिए मैंडेट देके दे दिए तो किसी उम्मीद से भेजा जाता है 90 के अंदर 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को शरणार्थी बना देने के देश के अंदर आपको शर्म नहीं आती है, सबसे ज्यादा दंगे देने का कांग्रेस पार्टी कर रहा है, शर्म किस दल को आनी चाहिए, आप लोग सत्ता पर बैठे हैं 10 साल के मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है,
आपने क्या दिया उत्तर प्रदेश की जनता को? सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता किसानों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं आपके हक में और आप चुनाव जीत रहे हैं, तो सोचिए किस ओर से जा रहा है, ये कहां लोकतंत्र हमारा जा रहा है? आखिर कैसे चुनाव जीत रहे? जनता परेशान है, आपको वोट नहीं दे रहे फिर भी आप जीत रहे हैं, अपने इसकी सहायता अपनी राजनीति करने की शैली बदल रहे हैं, कौन खेल खेल रहा है ये? आखिर देश को सोचने की जरूरत है, देश को सोचने की जरूरत है। अनुज अत्रे जी, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस नहीं सोचेगी, देश सोचेगा। अनुज जी, मेरा सवाल आपसे, आपकी पार्टी को लेकर कल ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया, जैसे ही सरगर्मी तेज हुई तो वो कहती हैं बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो सारे विपक्ष को लामबंद होना होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि कांग्रेस साथ हो। ये बहुत बड़ी बात अगर ममता बनर्जी कहती हैं तो विपक्ष भी एकजुट नहीं है और वो कांग्रेस को मान बैठे हैं कि कांग्रेस अब बहुत शिथिल हो गई है। देखिए, किसी के मानने का सर्टिफिकेट की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, ना हम उनके सर्टिफिकेट के लिए किसी तरह से उस पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ममता जी का बंगाल से बाहर कहीं कोई आधार नहीं है, और वो भी देखते जाइए समय समय के बाद उनका भी कहीं ना कहीं बुलबुला जो है फूटने वाला है। लेकिन इस देश में, अगर देश में कहीं राजनीति की कल्पना करनी है तो कांग्रेस के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। तमाम राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल भी जानते हैं, ये ममता जी भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी महत्वाकांक्षा सामने आ रही है, तो इस तरह का उनको बयान देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं अब बंगाल से निकल करके दिल्ली की तरफ, कुर्सी की तरफ जब आंख उठा करके देख रही है, तो इस तरह की बयान देना उनकी मजबूरी हो रही है, ये देश की जनता। लेकिन जी, आपकी पार्टी के भीतर भी G23 का समूह कल बैठ के मिल बैठ कर चर्चा किया है, बड़े नेताओं के नहीं, G23 के लोग आपस में मिलकर चर्चा किए कि आए अब आगे क्या? देखिए, कांग्रेस में समूह के आधार पर और जो है पदाधिकारियों के स्तर पर चिंतन मंथन होता है, हर चुनाव के बाद होता है। अभी भी हमारी CWC की बैठक जल्दी होने वाली है, चुनाव के नतीजों को लेकर के चिंतन होगा। निश्चित तौर पर एक चिंता की एक लकीर सबके माथे पर खिंची है कि जिस तरह से नतीजे हमारी अपेक्षा के रूप नहीं आए, हम लोग 3 राज्यों में अच्छे से सरकार बनाने की स्थिति में थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये नतीजे बिल्कुल उलट आए, और ऐसे ऐसी जगह से नतीजे उलट आए हैं कि जहां की सरकारों के खिलाफ जनता की अंटिंग कमिटी थी। उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार जाते हैं, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, वहां की जनता परेशान है कि हमने नहीं चाहा था उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीते, गोवा में नहीं चाहा था गोवा की जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी जीते, पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट 2017 से बेहतर प्रदर्शन है। अनुज जी, गोवा में 2017 से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन है बीजेपी का गोवा में। देखिए, अब इन प्रदर्शनों के पीछे कहीं ना कहीं एक ये भी देश में एक आवाज उठ रही है कि लोकतंत्र हमारा किस दिशा में जा रहा है, आखिर किन चीजों की मदद से जो है चुनाव जीते जा रहे हैं। इस चीज पर भी जनता की चिंता की लकीर है कि वोट वो कहीं दे रहे हैं, खुलता कहीं है, कम से कम कौन सा खेल खेला जा रहा है? ये भी कम से कम आप ममता बनर्जी का सुर में सुर नहीं मिला रहे, ये मशीनरी जनादेश। देखिए, हम किसी के सुर में सुर मिलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो मशीनरी जनादेश की जो बात हो रही है, जो स्क्रिप्टेड जनादेश है, कि मैं स्क्रिप्टेड जनादेश कहूंगा कि स्क्रिप्ट इसकी पहले लिखी जाती है, केवल बाद में पढ़ा जाता है, ये स्क्रिप्टेड जनादेश जो बीते कई चुनाव से हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा एक गंभीर स्थिति हो रही है। देश के लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। आगे जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके अपने हिसाब से सब चीजों के एक अपने प्रहार की आप बात कर रहे हैं। अनुज जी, 5 साल अब तो इंतजार तो करना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लड़ते रहना होगा। लड़की हूं लड़ सकती हूं या लड़का हूं लड़ सकता हूं, ये सारी चीजों का मिला जुला दोनों का कॉकटेल अगर मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई में कहीं आप दिखाई देंगे, वो सूरत अभी नहीं। अनुज जी, आता हूं विक्रम बिदुड़ी जी, आखिर ये संघर्ष क्यों? जीत हो गई, तारीख तय करने में एक राज्य चलो छोड़ देते हैं, सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़े नेता का नाम, वहां पर सूची बहुत लंबी होगी, लेकिन बाकी प्रदेशों को लेकर, उत्तराखंड को लेकर क्या दिक्कत है? जिया नाम को लेकर है, पुष्कर सिंह धामी खटीमा से खटाई में आ गए, हार चुके हैं मैदान। गोवा तो आपकी अपनी बहुमत वाली सरकार है और वहां पर आपकी तारीख अभी तय नहीं। अब बात करें मणिपुर की, जहां पर आपकी सरकार बन रही है, आखिर ये तारीख को लेकर क्या पेच फंसा है? हमारे यहाँ कोई पेच नहीं फंसा है अवस्थी जी। तो मैंने पहले कहा, हमारे सहज रूप से हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जब भी बैठेंगे चारों के चारों राज्यों के बारे में फैसला करेंगे,
और लोकतांत्रिक तरीके से पूरा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा वहां से सारी फाइनल तिथियां भी फाइनल होंगी, लोग भी तय होंगे और बहुत ही सहज रूप से सारी घोषणाएं सब कुछ आपके सामने आएंगे। अब धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने आएंगी, मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगी, अभी तो सभी राज्यों के अंदर लोग अपनी खुशियां बांट रहे हैं और बाकी जो जनता है उस खुशी के माहौल में अपने आप को अभी तक शामिल किए हुए हैं, जिस प्रकार से हंसी और खुशी के गुलाल उड़ रहे हैं, उनको सब लोग आनंद ले रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी कुछ दिन रुक करके चीज से जब भी हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठक ये सवाल भी समाप्त हो जाएगा। जी ये सवाल समाप्त हो जाएगा। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हुए, ये महज औपचारिकता होती है, इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो कि दिल्ली से नाम लेकर वहां प्रभारी पहुंचेंगे, वही नेता मुख्यमंत्री के रूप में होगा। और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर प्रमोद सावंत ही फिर से दोबारा बीजेपी की पसंद होंगे, विधायक दल की पसंद होंगे और दिल्ली में बैठे हाईकमांड के नेताओं की भी। ये आगे बढ़ते हैं साजन सिंह जी, साजन सिंह जी ये आत्मचिंतन का दौर है बीएसपी के लिए, कार्यकर्ता भी लगातार ये सोच रहे हैं कि आखिर हमारी पार्टी को क्या हुआ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लेकिन कार्यकर्ता दुखाय। नहीं मनीष जी मैं कहूं हमारी जो पार्टी है विचारधारा पे आधारित पार्टी है, हमारी पार्टी का एक कैडर है, हमारी पार्टी का एक कोर वोटर बैंक है, तो इसमें हम जो आगे किया। दूसरी बात उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 2022 के इस चुनाव ने एक मैसेज जरूर दिया है, वो राइटिंग ऑन द वॉल पर अगर समाजशास्त्रीय विश्लेषण इसका करें तो सबसे निकल करके सामने आता जो विपक्ष का स्पेस है उत्तर प्रदेश में, उस विपक्ष को स्पेस में कांग्रेस का रिवाइवल संभव है नहीं। समाजवादी पार्टी ने देख लिया कि उनका कोर वोट प्लस मुसलमान वोट मिलकर के सत्ताच्युत नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी को, तो रही बात करेगा कौन, तो आप डरा करके मुसलमानों का वोट तो आपने ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी, लेकिन आप सत्ता पाने में विफल रहे। तो इकलौती बहुजन समाज पार्टी जो विचारधारा पर आधारित पार्टी है, बहुजन समाज की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, दलितों वंचितों शोषितों की राजनीति करती है, हमारी राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, तो हम फिर से मुसलमानों का सपोर्ट लेकर के अति पिछड़ा वर्ग का सपोर्ट लेकर के इकलौती यह पार्टी है जो 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ताच्युत करेगी उत्तर प्रदेश से। ये बात है, जनसंचार हो चुका है हमारे कार्यकर्ताओं में, जैसे कल बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन मायावती जी सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कार्यकर्ताओं का जो आज उन्होंने संदेश दिया उस संदेश में आगे की कार्यवाही का मैसेज छिपा हुआ है, संदेश छिपा हुआ है, हमें करना क्या है। जो भी मुद्दे मैंने कहे बुनियादी मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, बुनियादी मुद्दों पर आधारित ये चुनाव था ही नहीं, ये मुद्दे उठे ही नहीं, ना ही समाजवादी पार्टी ने उठाया, ना ही भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दों पर आई, सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीतने वाली ये पार्टी अपने स्वतंत्रता का सहारा लेकर चुनाव जीतने वाली पार्टी को। जिस संदेश का आप जिक्र कर रहे हैं साजन जी, सियासत में संदेश और संकेत, कार्यकर्ता तो मासूम होता है, ये तो बड़े बड़े नेता भी नहीं समझ पाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस संदेश और संकेत की बात आपने की है कि आगे 5 साल आपको काम करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर्स, 5 साल का वक्त बड़ा वक्त होता है। आऊंगा आपके पास साजन जी, भुवन जोशी जी। भास्कर जी, भुवन जी अब आत्मचिंतन 21 मार्च को आत्मचिंतन के ऐसे कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जो सबसे ज्यादा चिंतनीय है कि आखिर हम चुनाव क्यों हार गए? देखिए मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से, राजनीतिक विद्यार्थी होने के कारण कहना चाहता हूँ कि हम लोग 300 के आंकड़े को लेकर चुनावी मैदान में गए थे और हम जादुई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए, यही पार्टी का चिंतन बना है। क्योंकि अगर भीड़ की बात आप कहेंगे और आप एक बहुत आपके बारे में मैंने पढ़ा भी है सुना भी है, आप एक गंभीर पत्रकार है और आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के भीड़ में कोई कमी नहीं थी, वो भीड़ की इतने जितनी हमें आशा थी उस रूप को वोट में तब तब्दील नहीं हो पाई, ये एक चिंतन का मन है। अगर आकर्षण की बात है तो मिलने की बात है तो माननीय अखिलेश यादव जी की भीड़ इतनी बड़ी भीड़ थी कि ये हमारे विपक्ष की बोल रहे थे कि इतनी भीड़ होगी भाई, हम राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं ये चर्चा का विषय, हमारे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में भी था लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाया वोट पे, ये चिंता का मन का विषय है। और हम लोग सीखेंगे, हम लड़ेंगे, हम लोग संघर्ष की पार्टी है, हम संघर्ष की पार्टी है समाजवादी पार्टी, हम लोग आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। अस्तित्व की लड़ाई है, लड़ते रहना भी पड़ेगा भुवन जी, क्योंकि आप सबसे मजबूत विपक्ष है और आपकी ये लड़ाई
दिखनी भी चाहिए, न केवल विधानसभा के सदन में बल्कि आम जनता के बीच जाकर। भुवन जी आऊंगा आपके पास। अनुज अत्रे, आखिरी सवाल छोटा जवाब। अनुज जी आखिरी सवाल छोटा जवाब, अब सोचना जरूरी है कि आगे क्या, पार्टी को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है? नहीं नहीं, निश्चित तौर पे मनीष जी पार्टी को सोचना आवश्यकता है और पार्टी इस पर विचार कर रही है। बहुत जल्दी हमारी अभी इस नेतृत्व ने तय किया है, इसको लेकर के बैठक होने जा रही है। सीडब्ल्यू सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जो हमारी टॉप मोस्ट जो है पार्टी का एक संगठन है, उसकी बैठक होगी। और जहां तक फुल टाइम अध्यक्ष की आपको मैं बात बता दूं, वो प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस में, संगठन के फेरबदल को लेकर के प्रक्रिया चल रही है, मेंबरशिप का अभियान चल रहा है और जून जुलाई में हमारे को पार्टी का फुल फ्लेज अध्यक्ष मिल जाएगा। उसी की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में नॉमिनेट नहीं होते हैं अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की तरह की रातों रात नड्डा साहब का नाम तय हो गया, उससे पहले अमित शाह जी का नाम तय हो गया, ये आपस में वन मैन शो वाला काम नहीं है। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे परिवार करेंगे, चुनाव के तहत अध्यक्ष चुन के आएगा और ये जो भी परिवार के लिए खुला होगा आप बता दीजिए। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे और अध्यक्ष चुना जाएगा। अनुज जी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे और अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और जल्द आएगा। हम भी ये कामना करते हैं कि देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में एक सक्षम नेतृत्व आए, ऐसी मंगल कामना और बधाई भी आपको अग्रिम दे देते हैं कि आपका जो अध्यक्ष हो वो मजबूत अध्यक्ष हो जो कि पार्टी को ताकत दे सके और लोकतंत्र में एक सशक्त भूमिका विपक्ष की निभा सके। अब जाते जाते आज के इस इंडिया का सवाल में हमारे साथ भुवन जोशी भास्कर, अब विक्रम बिधूड़ी, अनुज अत्रे, साजन सिंह जी, आप लोग जुड़े, आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जी हां गौर से सुनिएगा, क्योंकि भुवन जोशी जी आप बार बार कह रहे थे कि आप राजनीति के शास्त्र, आप राजनीति के छात्र होने के नाते आने वाले वक्त में नतीजे चुनाव शास्त्र के नहीं बल्कि समाज शास्त्र के शोध का विषय होगा। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।